मेजर, तुम उतना ही जानो जितना तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है सच को सुनने की, और यही तुम्हारी सच्चाई है। बकवास कर रहे हो तुम। सच यह है कि मैं हूं इसलिए तुम हो, सच यह कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवाओं में सांस लेते हो, सच यह है कि मैं 7,000 फीट ऊपर ठंडी हवाओं में अपना हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है ये बुद्धिजीवियों की तरह बातें करने की, संवेदनशील होने की, देश को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच यह है मेजर, तुम्हें और देश के हर नागरिक को सुबह उठते ही सड़कें और नाला साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। यह सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, इन सब का सच। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता है, घर के अंदर भी होता है, घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये हमारे लक्ष्य है। हमें जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के बाहर भीतर हर तरीके से बचाओ, नहीं तो रोज एक जमील नहीं हजारों जमील खड़े हो जाएंगे। और तुम किससे बचा रहे हो मेजर? बस जावेद को। कौम जानते हो क्या है? निशान या आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाते इसके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इनके नसों में, इनके खून में कौम सनी हुई है। इनकी वफादारी सिर्फ इनके खून के प्रति है, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा हुआ है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, मिट जाएंगे, हजारों राठौर मारे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। हे, मेरा तुम्हारा किसी टॉक्सो की बात नहीं है मेजर, ये पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना चुचुनर की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो, दिमाग का इस्तेमाल करो, सब समझ जाओगे। हर तारीख पे इनके मौसमी मजहब, इनकी आतंकी मोहर लगी हुई है, और इस तारीख को साफ करना मुझे अच्छी तरह से आता है, और मैं वही कर रहा हूं। सफाई, इनोसेंट, AK-47 लेके घूमता है हाथों में लॉलीपॉप की तरह, इनोसेंट बच्चे नहीं है वो, टाइम बम है साले, टाइम बम। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए मिलिट्री नेसेसरी है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। और तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत देना, क्योंकि तुम्हारे औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो हजारों राठौर खड़े कर सकता हूं, और मैं करूंगा, एक एक दीमक निकाल के मारूंगा मैं, ताकि गए और जमील पैदा न हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप न हो। चीख रही थी वो, पुटे वो चीख मुझे सुबह शाम दिन रात सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से बुला के गोली मार दूं उनको, बूढ़े बच्चे जो सामने आए गोली मार दें उनको, नहीं तो ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार को खा जाएंगे ये लोग। अगर मिटाना है इसको, कौम को मिटाओ।